शाहान ऐसे ऐसे फनपारे तख्लीक करते हैं कि देखने वाला देखता रह जाए। शाहान करते हैं स्केचिंग और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस काम के बारे में बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम शाहान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से? खैरियत से हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, स्केचिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ? अब तक किस किस की आप स्केच बना चुके हैं? मैंने पहला पोर्ट्रेट अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक का बनाया था, क्योंकि उस वक्त अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो पोर्ट्रेट था वो बहुत ही इजी था। सो इस वजह से मैं फुल पोर्ट्रेट तो नहीं ड्रा कर सकता था, लेकिन सलासत और रवानगी की बना पर जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पोर्ट्रेट था तो वो थोड़ा अच्छा था। सो मैंने एक आम पेंसिल से वो ट्राई किया। सो मुझे टीचर्स ने भी बहुत सराहा और मेरे घर वालों ने भी। सो उस वक्त से मैंने आर्ट स्टार्ट किया था। मैं तकरीबन 6 साल का था और क्लास फर्स्ट में सबक पढ़ा था। सो मैंने तो अब तक बहुत से पोर्ट्रेट्स ड्रा किए हैं, बहुत से मशहूर पॉलिटिकल लीडर्स के ड्रा किए हैं। सो उनमें से जो कुछ मशहूर है सो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैंने दिल्स अर्तुगरुल जो ड्रामा सीरियल है उनके किरदारों के भी बहुत से पोर्ट्रेट ड्रा किए हैं। वाकई शाहान, स्केचेस तो आपके बड़े अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत हैं। ये हुनर आपने किससे सीखा ये बताइए, और किससे ट्रेनिंग ली? जी, ये स्केचिंग जो होती है आर्ट यानी, और एक अनदर फील्ड है जिसको हम कहते हैं पोएट्री शायरी। सो ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती है, खुदादाद सलाहियत है। तो इसको सीखा भी दिया जा सकता है, लेकिन जब आप सीखेंगे तो ऐसा नहीं होता। सो ये जो स्केचिंग है और आर्ट, सो ये खुदादाद सलाहियत है मुझे, यानी कि मेरा कोई टीचर नहीं है, बस खाली मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता था और मेरे दिल में खुद ये तलाश ख्यालात होता था कि मुझे ये पोर्ट्रेट किस तरह बनवाना है। सो प्रैक्टिस के जरिए से मैं इस हद तक आया। अच्छा शाहान, ये बताइए कि एक स्केच को तैयार करने में कितना वक्त लगता है आपको? एक दिन दो दिन लगते हैं, और इस तरह जब मैं अपने आप आर्ट गैलरी के लिए बनवाता हूँ या ऐसा कोई एचडी पोर्ट्रेट बनाता हूँ, सो जब आप हाइपर रियलिस्टिक की बात कीजिए, रियलिस्टिक की बात कीजिए, यानी कि वो बिल्कुल हकीकी दिखाई दे, सो उसमें तकरीबन हफ्तों का टाइम लगता है, और ऐसे नॉर्मल पोर्ट्रेट में 2 to 3 days। और शाहान ये बताएं कि आपने अपना कोई स्केच अभी तक सेल किया है? जी, अभी तक तो मैंने कोई भी पेंटिंग सोल्ड नहीं किया है। इसके अलावा जो मेरे और आर्टवर्क्स होते हैं स्केच, तो वो लोग खरीदते हैं, और पेंटिंग भी मैंने तकरीबन 5-6 पेंटिंग्स बनाए हैं, और वो मेरे पास मेरे आर्ट गैलरी सोल्ड नहीं करता। इसके अलावा जब कोई मुझे कहे कि आप मेरा पोर्ट्रेट बनाए, सो मैं फिर उससे कमीशन लेता हूँ। वो तो हम देख रहे हैं, आपने टर्क स्टार्स की स्केच बनाई है, आपने अली मैं सुल्तान की, आपने डैरन सैमी की स्केच बनाई है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि हमारा स्केच बनाए तो वो आप कितने में बनाएंगे? क्योंकि आप मुझसे इंटरव्यू भी करते हैं और आप एंकर भी हैं, सो मैं एंकर लोग की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, और इसका पोर्ट्रेट जो होता है सो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना देता हूँ, तो एग्जैक्टली मैं आपका भी फ्री ऑफ कॉस्ट बना दूंगा। बहुत शुक्रिया शाहान। अच्छा ये तो बताएं, अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? जी, मैं तो अभी क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ, बोर्ड का एग्जाम मैंने अभी नहीं दिया है, और रिसेंटली क्लास 9 को प्रमोट हुआ हूँ, 8 पास किया है। और शाहान, घर में कौन कौन है आपके, और आप किस काम में, आपको फैमिली कितना सपोर्ट करती है? हमारे घर में 4 अफराद थे, 2 मेरे भाई है और माँ बाप है, वालिदैन है मेरे। सो मैंने जब से ही आर्ट स्टार्ट किया है, शुरू किया है, सो मेरे अपने भाई जो है, इसके अलावा मेरे माँ बाप वालिदैन, सो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मुझे जो भी मटेरियल्स की अशद ज़रूरी होती है तो वो मुझे फराहम करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया।